हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आपके एग्ज़ाम्स आपके पास हैं और आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुझे इतना टाइम लग गया। आपके दो दिन बाद पेपर्स भी हैं, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आप पेपर की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। और उस प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए 100% इसी पे मत बिलीव कीजिएगा दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ वो एक चीज़ कहूँगा कि अभी तक अगर हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका अभी तक के आपने बहुत सारे पेपर्स दे लिए हैं, अब जो आप देने जा रहे हो NCERT 10th क्लास का लास्ट पेपर, जो कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट पेपर भी बोल सकते हैं और बहुत इजी भी पेपर है। जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनके लिए बहुत इजी है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पर मैथमेटिक्स क्रिकेट गेम की तरह होता है दोस्तों, जो चल गया चल गया, जो नहीं चला वो थोड़ा बहुत टिक टिक करके तो कुछ रन तो बना ही लेता है, क्लियर। तो इस बार आपके जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर आपके सेशनल्स प्लस आपका जो एक्सटर्नल जो आप लाओगे 80 में से, ठीक है, दोनों का मिक्स होके आएगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, अगर आप कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर आप 20 मार्क्स भी अगर ले आते हो आउट ऑफ 80 तो इजी गोइंग है, आप पास हो जाओगे। और 20 मार्क्स लाने का मतलब है कि जो भी दिया हुआ है आपको, मतलब क्वेश्चन में जो भी गिवन, अगर कुछ भी नहीं आता तो गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन, उसके अंदर डायग्राम, उससे रिलेटेड फॉर्मूला, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं है तो ये लिख के अगर आ जाएंगे तो भी कम से कम हाफ ऑफ मार्क्स में देता है ना। तो ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में से हाफ ऑफ मतलब 15 मार्क्स के तक तो आप पहुंच ही जाओगे, मतलब 30 का हाफ 15 होता ही है, प्लस एक दो क्वेश्चन तो आप बड़े अच्छे से कर ही लोगे फ्रेंड्स। मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कर सकते हो, और भी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूला बेस्ड है, एपी का क्वेश्चन है, उनको आप बड़े अच्छे से कर सकते हो, क्लियर दोस्तों। तो अपने जो चैप्टर्स आपके बेस्ड हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो वन थिंग मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें मैंने पूरा NCERT पे क्वेश्चन नंबर ही लिखा है, एग्जाम्पल नंबर लिखा है पूरा डिटेल में, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो आप NCERT बुक की हेल्प से आप देखेंगे उन क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, तो उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चन से रिलेटेड या उनसे वैल्यूज वगैरह ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्लियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई हो एग्जाम्स के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस को बड़े पढ़ना, अच्छे शांति से पढ़ना और जल्दबाजी में मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, अदरवाइज प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ऐसे मिस्टेक्स आप कर जाते हैं, क्लियर। मतलब आपके माइंड जो कहते हैं ना, आपके जो ये कैमरा है आंखों वाला, इस आंखों वाले कैमरे से जो आप फोटो लगे तो नए फोटोज लेना, पुराने नहीं। जिससे आधा क्वेश्चन पढ़ा और याद आ गया यार ये वही है तो चालू हो गए, तो हो सकता है आगे कुछ और भी पूछा हो। तो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना दोस्तों, और पूरी प्लानिंग के साथ पेपर करना है। कैसे पेपर किया जाता है उसके तो मैं ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप लोगों ने देख लिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आपके पास टाइम कम है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पेपर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।